जहाँ भी तू जाएगी मैं वहाँ चल आऊंगा तेरा पीछा ना मैं सोनिया जिस तरह की स्टेरिंग होती है घूरना देखिये भैया करैया है वो तो गोपियों के साथ खेल दरसिया तो करते ही है इसमें क्या प्रॉब्लम अगर आप घूर रहे हो और वो अनकंफर्टेबल है दैट्स नो बिकॉज़ उस बच्चे के पास तो कंसल्ट का एबिलिटी भी नहीं है हमारे पास तो है ना हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन और आज के एपिसोड की शुरुआत मैं प्रयास भाई के साथ एक गाने में करूंगा, ठीक है आ, मैं यूपी से हूं, प्रयास भाई हरियाणा से हैं वी आर द टू मोस्ट मिसोजनियस स्टेट्स इन इंडिया और उसमें से भी सबसे ज़्यादा मिसोजनियस कास्ट से हम आते हैं मैं हूं जाट और ये भी हम और तो एक प्रयास भाई एक गाना जो है धर्मेंद्र जो एक और जट है उसका गाना है कि डरता मैं नहीं चाहे हो जमी चाहे आसमां जहां भी तू जाएगी मैं वहां चल आऊंगा तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए भेज दे चाहे जेल में तो मैं समझ रहा हूं संजय भाई आप कहा ले तमीजा बात करनी किसी लड़की से रो थे तो देट डिफाई एग्जैक्टली तो सोचो कि उस टाइम पे कितना कितने लोगों की साइकी या सोच पे असर डाला हुआ इन चीजों ने कि हीरो तो ऐसे करता है लड़की के पीछे जाता है हुँ. हीरो वो है जो लड़की को ऐसे स्टॉकर ही हुआ ना बेसिकली भेज दे चाहे जेल में मगर क्या फिल्मों से ही हुआ है क्या ये सब कुछ पहले नहीं था मतलब और वो फिल्मों से अलग जो सोसाइटी है उसमें नहीं था क्या आई थिंक आई थिंक सोसाइटी में था तभी वो फिल्मों में आया बट फिल्मों से ज्यादा एम्पलीफाई हुआ है वो राइट right? और एनी वे रोहतक में आप रहे हो ठीक है लोग कहते कहते आप थकते नहीं हो मैं रोहतक से रोहतक से मेरी एक और दोस्त हैं लंदन में रहती हैं ठीक है वो रोहतक से हैं राइटर भी हैं बहुत ही आ, शालीन इंसान हैं उन वो ना अकेला ट्रैवल करती हैं पूरी दुनिया में तो लोग उनको कई दफ़ा आके पूछते हैं कि यार तू पूरी दुनिया में कहीं पे भी अकेले घूमने चली जाती है तो को डर नहीं लगता तो बोलते कि यार मैं रोहतक में बड़ी हुई हूँ वह अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकते तो मुझे दुनिया में क्या डर लगेगा आप तो वही रहे हो सच है ये बात बिल्कुल सच है जी लेकिन मैं इसमें ना पता है काफी जिस लेवल की मैं बात करना चाहता हूं ना उसकी कोई बात नहीं करता बताओ ठीक है आपका लेवल ही देखते हैं मुझ छेड़खानी की बात सब करते हैं कि छेड़खानी हो गई नहीं हुआ या कुछ और एक्सट्रीम केस हो गया किसी के साथ राइट बट जो जिस तरह की स्टेयरिंग होती है ना घूरना घूरना ठीक है और नो वन रिपोर्ट स्टेयरिंग ठीक है नो वन कंप्लेन्ट्स अबाउट स्टेयरिंग क्योंकि कोई क्राइम ही नहीं हो कोई क्राइम ही नहीं मतलब है जाके क्या बोलेंगे थाने में जाके कि मेरे को घूर रहा था और किस किस की शिकायत करोगे राइट स्टेयरिंग इज सो कॉमन राइट शायद कोई बुजुर्ग या समझदार इंसान ही इधर उधर करता होगा बट अगर एक फीमेल गली में जा रही है तो जो भी मेल जाएगा ना दे विल लुक एट द दे विल स्टेयर एट द द फीमेल एंड इट इज सो ब्लेटेंट एंड इट इज सो शेमलेस राइट के दे डोंट रियलाइज लोगों को कभी शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ अगर लड़का जा रहा हो गली में से और पंद्रह बीस निगाहें उसको देख रही हो hmm. और सिर्फ एक दिन की बात ना हो वो जब सात आठ साल दस ग्यारह बारह साल का हुआ हो तब से उसका तो कैन यू इमेजिन की उस बच्चे का क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है इट इज ए टॉर्चर क्यों घूरते हैं लेकिन लड़के मुझे समझ नहीं आता मतलब देखो औरतें और घूरती हैं नहीं घूरती तो डिस्कशन हमें करने नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि इतना लॉप साइडेड है औरतों के घूरने पर अगर हम बात करने लग जाए तो ये तो बकवास बात है लेकिन मर्दों का प्रॉब्लम क्या उनको औरतों में क्या दिखता है ऐसा है कि वो इतना घूर रहे हैं उनको अब यहां पे हम देखते हैं इतनी सारी औरतें घूम रही हैं फ्रीली किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहां स्कॉटलैंड में मतलब आ... अपन बैठे हैं बाहर निकल के देखते हैं मतलब आर हैप्पी वॉकिंग अराउंड मतलब जो पब्लिक स्पेस है उसमें फील कंफर्टेबल कंफर्टेबल है तो सोचता भी नहीं है और उन, उनको पब्लिक स्पेस में उनका भी तो हक है ना yeah. कि वो भी घूमे फिरें और वो भी मतलब वॉक करें या जॉग करें या कुछ भी करें ये मर्दों की प्रॉब्लम क्या है कि औरत दिखी नहीं और उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे ये मतलब वो एक्सरे है और उसको फिल्म निकाल के देनी है उसकी क्या क्यों और हम देखो हाँ हा, मैं और आप जो आते हैं इ, इस तरीके की जगहों से जहाँ पे जेंडर रेशियो भी स्कूड है और मिसोजनी रैंपेंट है फीमेल फिटिसाइड भी है ठीक है हमारे आसपास खूब हुआ है और मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा घूरने में मतलब अगर कोई चीज़ खूबसूरत है कोई इंसान खूबसूरत है कोई मोन्यूमेंट खूबसूरत है तो आप उसको एडमायर भी कर लो और उसके बारे में मतलब बो, बोल लो लेकिन

मैंने भी ये काम करे हैं मैं yeah. ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी सब लोग गलत हैं क्यों करते हो मैंने भी करे हैं आई बीन थ्रू दैट सेम प्रोसेस बट लकीली मेरे को रियलाइज हो गया कि दिस दिस इज इज सो सो ऑल लेवल्स तो ये ठीके? देर नहीं हुई रियलाइज होने में जी अब क्या करें hmm. ठीक है hmm. अब एटलीस्ट व्हाट आई कैन डू इज करेक्ट नाउ मैं पास तो अपना करेक्ट नहीं कर सकता बट एंड बिकॉज दिस इज सो अनरिपोर्टेड नो वन टॉक्स अबाउट इट नो और कम्पलेन्स अबाउट इट बट इट इज सो ब्लडी ब्लेटेंट सारा हिंदुस्तान नहीं करता अगेन ठीक है बट इट इज वाइड स्प्रेड ठीक है जी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं एम्स्टरडेम में रहता था और अपना ही एक दोस्त जो स्विट्जरलैंड में रहता था उस टाइम पर वो मेरे साथ वो बोला कि यार मैं तेरे को मैं तेरे पास एम्स्टरडेम घूमने आऊँगा तो हम लोग गए तो एक वो पब क्रोलिंग होती है इवेंट ऑन दैट पब क्रोल

उनमें से एक लड़की जिसके पीछे पड़ गया था ना वो वो रो रही थी और वो उसको यू कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दे आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू आई एम जस्ट मैं अपने दोस्तों के साथ प्लीज लीव मी अलोन लेकिन उसके बावजूद पता नहीं मतलब उस टाइम और ऐसा नहीं था कि उसने पी रखी थी या शराब पी रखी एग्जैक्टली अग्री अग्री बट आई नो उस लड़की को उस हमारे ग्रुप को छोड़ के जाके बोली मैं घर ही जा रही हूँ यार अमेरिकन थी और मैं उस टाइम भी यही सोच रहा था कि यार क्या मिल रहा है इसको ये सब करके दिस इज सो शेमफुल पूरी so... जिंदगी वो वो जो अमेरिकन महिलाएं अगर वो अगर देखें कभी यहाँ पे वॉचिंग इट वी अपोलोजाइज Uh, for this फॉर दिस बिहेवियर फ्रॉम इंडियन मैन बट फॉर एवर इन traumatized she is traumatized forever क्या मिलता है और वो बंदा रहता स्विट्जरलैंड में मतलब ऐसा नहीं है कि उसने दुनिया नहीं देखी थी वो रहता स्विट्जरलैंड में है पढ़ा लिखा भी था नौकरी भी करता था ठीक ठाक एज भी थी बच्चा भी नहीं था और ये छोड़ो सर आप शहर में आपने भी देखा होगा आप अपने किससे बताओ कोई शहर में बाजार में लड़की जा रही होती है यू डोंट नीड टू नो के लड़की कहां पर है मेल की नजरें देख लो पता लग जाएगा तो लड़की जाए पर कहां है। पर है। और फिर इस तरह से ड्रामे करते हैं कि जैसे किसी लड़की को ऐसे घूर रहे हैं और जैसे ही वो लड़की पलट के देखती है एकदम तो दूसरी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं मतलब के ये तो है जिनको थोड़ी शर्म आ रही थोड़ी शर्म आ रही है बटलेस तो यू ही देखता यू ही देखते रहेंगे और मैं बोल रहा हूँ आप एक बार जाके देखो और मैं आपकी तरफ घूरता हूँ ना मैं अनजान आदमी हूँ आपकी तरफ यूँ घूर रहा हूँ लूंगा

so staring oh, in the in the larger animal world it is a, a communication tactic to dominate to intimidate the other तो so hmm. यहाँ पे भी वही हो रहा है I mean, we are talking across mm -hmm. जैसे आप बोले कि आप अगर इनको स्टेयर करोगे तो लगता है कि यू आर बी इंटीमिटेड राइट बट दैट इज द पर्पज ऑफ स्टेयरिंग इन द

वही तो बात है कल्चरली हम हम हमारे एनिमल इंस्ट्रिक्ट से भी नहीं थीक, थीक, कर रहे हैं कल्चरली हम जो लोग कर रहे हैं घूरने वाला जो कल्चर है ना सर ये देखो अलग अलग स्पीशीज में लोग डराने के लिए घूरते हैं अब ह्यूम्स में जो इवॉल्व सोसाइटीज हैं वहां पे आप भी दुनिया भर में रहे हो मैं भी इतनी जगह जाके घूम चुका हूँ मैंने कहीं पे नहीं देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी इन्वॉल्व कर हैं इसमें अगर कि औरतों को एक्चुअली बांग्लादेश में नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन इंडिया पाकिस्तान में वो औरतों को इस तरीके से घूरते हैं कि इट्स नॉट इट्स नॉट नेचुरल इन अ वे मतलब वो बहुत ही प्रीडेटरी लगता है Yeah, yeah, is. Is के, नहीं घूरती औरते लेकिन औरतें औरते जब घूरते है कभी भी किसी मर्द को डर नहीं लगेगा और वो इसलिए लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा निजाम जो है वो मर्दों के फेवर में है उनको पता है कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता और कोई घूर भी रही है उसको एक तो औरतों को घूरने का तरीका कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रीडेटरी होगा वो हमेशा मतलब एडमिरेशन का होगा मतलब मेजोरिटी ऑफ तो मतलब कुछ तो उसमें भी वो हो सकती हैं लेकिन ये 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 हमारे कल्चर में इंडिया में और इंडिया की बात करते हैं चलो क्या है मतलब कि हर मर्द जो है अपनी बेटी को ये बोलता है कि डोंट ट्रस्ट मैन हर मर्द बोलता है अपनी बेटी को डोंट ट्रस्ट मैन क्यों क्यों बोलता है और फिर वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से भी मतलब चिड़ता है कि मर्द ट्रस्टवर्दी नहीं है इसका मतलब इससे बड़ा स्टेटमेंट मर्दों के कैरेक्टर पर और क्या हो सकता है सब कॉन्टिनेंट के कि जहां बाप अपनी बेटी को ये बोले कि डोंट ट्रस्ट मैन बिकॉज वो बाप खुद जानता है कि असलियत क्या है उसकी भी और बाकी की तो ये आई डोंट नो इसका तोड़ क्या है सर हमारे घरों में बच्चियां भी हैं और इन व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग इज के ये पूरे मैं इंडिया में भी बहुत जगह देखा है ये अपने यूपी बिहार और दिल्ली में इज एट पीक ठीक है हाँ मतलब अपने नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा है हुँ. बट इन वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स इट इज नॉट सो प्रियोर दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिंक देर माइट बी सम क्लूज ऑफ हाँ क्योंकि ये जो जो, जो ये नॉर्दर्न स्टेट हैं मतलब मुझे लगता है मे वी रॉन्ग मतलब जो सोशल साइंटिस्ट पर ज्यादा पढ़े लिखे जो जानते हैं मुझे ये लगता है कि नॉर्दर्न स्टेट जो है ना एक तो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ज़्यादा है ठीक है यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या होता है कि दिखाने के लिए मर्द ज़्यादा मेहनत करता है करते तो औरतें तो भी बेशुमार हैं और जो नॉर्दर्न इंडिया जो है उसमें इन्वेजन्स बड़े हुए हैं इन्वेजन्स के चलते मेरा सबको लड़ने की आदत पड़ी हुई है यहाँ पे जो मिक्सर मैच हुआ है रेसेस का आके यहाँ पे लड़ने की आदत पड़ी हुई है और जो जब लड़ाई होती है मर्दों के बीच में तो औरतें तो, तो बैकग्राउंड में चली जाती हैं तो, तो हाँ तो वो मतलब के आ, आ, कोई भी इन्वेडर आया उससे लड़ने कौन गया उससे वो जो मर्द लड़ा फिर वो अपना परचम लहराने लग गया तो आई गेस दैट कुड बी अ रीजन बट आई एम नॉट श्योर दैट दिस कुड बी द ओनली रीजन दैर इज आल्सो अ लॉट ऑफ पॉपुलर कल्चर व्हिच इज पॉपुलर कल्चर इज मिसोजिनिस्टिक ये तो हमें मानना पड़ेगा जैसे हमने फिल्मों yeah. की बात शुरू शुरू करी हमने और आप, आप यही देखो कि और पॉपुलर कल्चर कंबाइंड विद कैपिटलिज्म ठीक है जैसे दिल्ली की बात आपने करी दिल्ली में क्या है कि आप डी मॉल चले जाओ साकेत में एम्पोरिया चले जाओ वसंत कुंज में इतने अमीर अमीर मॉल हैं ये है कि जाने में डर लगता है उनमें उनमें कोई भी चीज़ आपको बीस पच्चीस हजार रुपये से कम की मिलेगी नहीं ऑल्सो हमारी सोसाइटी में इतनी डिस्पैरिटी uh, uh, है मतलब जो अमीर के पास तो बेशुमार पैसा है और गरीब के पास कतई भी नहीं है अब उन उन मॉल्स के मॉल्स खुल गए हैं मॉल्स के अंदर जो है ऐसे वो दुकानें हैं ठीक है दुकानों के अंदर जो चीजें बेची जाती हैं वो औरतों की बॉडी पे बेची जाती है, है? अब जो गरीब आदमी है उसको मालूम है वो उस मॉल में जाके कुछ खरीद नहीं सकता और उसको दिख रही औरत की बॉडी और लॉन्जरी है या जीन्स है या कुछ भी है उसको लगता है झीन लो तो वो छीन लेता है जाके कैपिटलिज्म ने औरत को कमोडिटी बना दिया है। इन एक सोसाइटी लाइक इंडिया जहाँ पे ऑलरेडी इतनी मिसौजनी है वहाँ पे ये ये जो भेज दी गई है 2012 में वो जो दिल्ली में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था ना जिसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है ठीक है वो लड़के जो बस के क्लीनर वगैरह थे ड्राइवर कंडक्टर वगैरह थे उन्होंने उस बच्ची के साथ इतनी बदसलूकी करी और फिर बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी मेरे ख्याल से बीबीसी ने बनाई थी जिसको इंडिया में रोक भी दिया था कि इंडिया की बदनामी हो रखी है इस डॉक्यूमेंट्री में उसमें वन ऑफ द रेपिस्ट एंड किलर बच्ची मर गई थी बाद में आपको पता ही है ना इतना बदसलूकी करी उसके साथ वो बोला था कि इतनी रात को लड़की बाहर निकलेगी तो फिर तो बिल्कुल ये डिजर्व करती है कि है वो इसके साथ ये मैंटेलिटी जो है ना ये इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअली ये क्योंकि हमने अप, अपने माशरे में अपने समाज में एक तो हम बराबरी के लिए लड़े नहीं कभी भी ठीक है और ऊपर से हम हमारे पास एक तबका क्रिएट किया हुआ है जो बहुत ही गरीब है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको वो कैपिटलिज्म की चमक भी दिख रही है और जिनको जो उनको, उनको बताया कि अपनी मेहनत के पैसे से वो कभी ले ही नहीं सकते इनको तो उनको छीनना ही तो आता है ना और कैपिटलिज्म ने औरतों को भी वो कॉमोडिटी बना दिया और इसीलिए और ऊपर से हमारा जो समाज है जो जिनके पास आ, मतलब सहूलियतें हैं जिनके पास पैसा है जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो फिर इस तरह की बातें करता है। है। हैदराबाद में केस हुआ था अभी कुछ साल पहले जहां पर एक

मैं तो क्या हूं चिकन टिक्का हूं और गटकाले मुझे अल्कोहल से मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार गटकाले मुझे अल्कोहल से आप सोचे क्या हो इस बात का यार कोई औरत वहां पे नाच के और ये फिल्म वो दबंग फिल्म का गाना है कि मैं तो तंदूरी ही तंदूरी मुर्गी हूं यार गटकाले मुझे अल्कोहल से आप कोई भी मुझे समझा दे कि जिसने भी लाइन लिखी है वो क्या सोच रहा है और जो उसको देख रहा है वो क्या सोच रहा है ये समाज जो है जो इन रेपिस को बोलता है इनको यहीं पे पर गोली मारो यही समाज है जो ये फिल्में देखने जाता है और यही समाज जो बोलता है बड़ा मजा आया इस फिल्म को देख के और फिर बाद में आके बोलता है कि इनको मारो यहीं पे पर उसमें मरता कोई और है तो जिम्मेदार कौन है सर हम जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर में कभी भी ये कॉन्वर्सेशन नहीं किया कि जो मैं और आप बात करें ना बैठ के ये कॉन्वर्सेशन हर एक घर में होना चाहिए yeah. ये हर घर में होना चाहिए हर घर में ये बात अपने बच्चों के साथ लोगों के साथ लोगों को करनी चाहिए कि मैन एंड वुमेन का जेंडर इक्वेशन यहां पे कितना लॉफ साइडेड है और क्यों गलत है ये लेकिन कोई बात नहीं करता दिस 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 अनकंट्रोल्ड अनडिबेटेड स्टेयरिंग

वुमेन बिकम विक्टिम ऑफ ब्रूटल वायलेंस हम हमको शर्म आनी चाहिए सर अपने ऊपर कि हमारे समाज के अंदर इस उम्र में मतलब 2023 चल रहा है ठीक है आज तक भी मतलब ब्रूटल रेप्स होते हैं और उसका थोड़ा हमारी सरकार क्या निकाल के लेके आती है कि भाई रेप पे ना डेथ पेनल्टी होनी चाहिए ताकि पहले तो रेपेस्ट जो है जिसके साथ जुल्म कर रहा है उसको ये सोच के छोड़ देता था, था कि रिपोर्ट ना करे नहीं रिपोर्ट नहीं करेगी अब मार ही देंगे कि रिपोर्ट करेगी तो मुझे डेथ पेनल्टी है तो हर लेवल पे मतलब हर लेवल पे जो जेंडर इक्वेशन है इसको हम टैकल ही नहीं कर रहे ना अपने घर में कर रहे हैं ना अपने पार्लियामेंट में कर रहे हैं ना अपनी सड़कों पे कर रहे हैं हम हमारा क्या काम है सिर्फ घूरना है और तो घूरना है और फिर ये भी बोल देना घूरा ही तो है करा थोड़ी कुछ खूबसूरती को देख रहे हैं तो, देख रहे हैं

कि भाई वो पप्पी दे रहा है और ये कर रहा है नहीं हमें अपने बच्चों को बच्चियों को ये बताना पड़ेगा कि कोई भी मेल रिलेटिव आके तुम्हें ये नहीं कर सकता क्यों हम करने देते हैं कि पुपा जी आ गए मौसा जी आ गए मामी जी आ गए और उस पकड़ के और गोद में लेके और चूबेल नहीं लग रहा है उसकी उस बच्चे के पास तो कंसेंट का एबिलिटी भी नहीं है हमारे पास तो है ना हम तो बोल सकते हैं ना कि यार ये अलाउड नहीं है आप नहीं कर सकते हमारे यहां तो ये माना जाता है कि मामा जी बड़ा प्यार करते हैं फूफा जी बड़ा प्यार करते हैं बड़ा प्यार नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार यार वो बच्चियां जो कितनी फिल्में बनी है सर इसके ऊपर जो बाद में ऑल दीज अप विध दीज एक्सपीरियंसेस पचास साठ साल की उम्र में आके आके वो बोलती हैं कि यार मेरे साथ तब ये हुआ था यार। और करने किसने दिया घर वालों ने

किया। और बाद में घूम के आके वो आके बोलती है इतनी ट्रेजिडी के बाद हुआ मेरे साथ और अपने मां बाप कोई शर्म नहीं आती है क्या आप लोगों ने यही करवाया मेरे साथ कितना भी गंदा था उसको बेचना चाह रहा था प्रॉस्टिट्यूशन में एक ना था। बट कुछ नहीं करा उसने लेकिन घर में ही हो रहा है

दे लिव इन सेल्फ डिनाइल कि मैं तो ये करता नहीं हूँ ठीक है या फिर अगर वो करते भी होंगे ना तो टू तो हाइड दैट बिहाइंड वो आपकी कमियां निकालने लग जाएंगे अब कुछ लोग ये वीडियो देख के ना आपकी और मेरी ये कमियां निकाल रहे हो निकालने यार ठीक है बिकॉज बट वाइल यू आर डूइंग दैट यू आर ओनली डिनाइंग योर इनर डिमन एक्सेप्ट दैट यू डू इट एंड थिंक

ये है कि आज तो होली आज तो हमें ये करी सक करी है यह मैं आपको बताता हूं मैं आठवीं क्लास में पढ़ता था और आ, मेरी क्लास में ए, एक लड़की हुआ करती थी जिसपे मुझे बड़ा सॉलिड क्रश था आठवीं क्लास में ठीक है और मैं होली का वेट कर रहा था कि कब अपने हाथ पे रंग लगा के इसके गालों पर लगा दो और वो मैंने किया भी? उसके गालों में लगाया भी और उसको तब अब तो बच्ची थी वो भी मैं भी बच्चा था लेकिन आप ये सोचो कि उसको नहीं लगवाना था क्या yeah. और मेरे पे इतनी कल्चरल लजिटिमेसी थी एक तो मैं मेल था ऊपर से होली थी मेरे को इतनी कल्चरल लजिटिमेसी थी कि मैं ये कर सकता था yeah. और मैंने कर भी दिया और करने के बाद मुझे कोई गिल्ट भी महसूस नहीं हुआ और मुझे, मुझे, आज तक मैंने ये ने, मतलब ये समझ में नहीं आता है कि उस लड़की को नहीं लगवाना था यार yeah. और पता नहीं उस उस हरकत का उसकी पूरी जिंदगी पे क्या असर पड़ा हुआ yeah. Yeah. तो ये ये पूरी कहानी जेंडर की कहानी सिंपल सी है सर अपने घर में कॉन्वर्सेशन होना चाहिए मुझे अगर मेरे घर में कॉन्वर्सेशन होता ना तो मेरे को ये पता होता कि मैं ये हरकत नहीं कर सकता जाके और अभी भी अब होली आने वाली है आप देख लेना क्या, क्या क्या हो रहा हो असल बात वही है जो हम कॉन्वर्सेशन घर में होना चाहिए अपने आप आपके घर में अगर एक छोटी बेटी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रोटेक्ट करो और आपके घर में जो रिश्तेदार आ रहा है ना जो आगे बोले हाँ बेटी का है बेटी का है आपको नहीं पता वो रिश्तेदार क्या कर रहा है आपका आपका ये जिम्मेदारी है कि वो बच्ची को कोई हाथ ना लगाए आई थिंक आई थिंक ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक पिछले कुछ सालों में काफी अवेयरनेस बढ़ी है आई फील ठीक है किस चीज से कि मोलेस्टेशन एंड ऑल दैट बच्चों की एंड नाउ पीपल ट्राई एंड प्रोटेक्ट देम आई थिंक अवेयरनेस बहुत बड़ी है अवेयरनेस बड़ी है लेकिन मोलेस्टेशन कम नहीं हुआ है ओके okay. अवेयरनेस बड़ी है आप देखो यहां पे हम मैं और आप बैठे हुए हैं ठीक है क्या हम अपने बच्चों से ही कन्वर्सेशन करेंगे मेरे नहीं. तो नहीं है आपके तो है नहीं नहीं करते ये करना चाहिए ना आपको yeah.

आज की डेट में भी हिंदुस्तान में ऑनर किलिंग्स होती हैं आज की डेट में भी हिंदुस्तान में और में हिंदुस्तान में, में गैंगरेप ऐसे नहीं होते कि गैंगरेप हो ब्रूटल रोड घुसा अंदर संतड़िया फाड़ के निकाल दिए वॉट इज दिस वेर इज दिस कमिंग फ्रॉम इट इज कमिंग फ्रॉम अ टोटल लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर वीमेन एंड ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग के बारे में अगर ये कॉन्वर्सेशन होता स्कूल में घर में मोहल्ले में कि भाई ये जो औरत है इसको आप आ, ये भी आप ही तरह इंसान है तो ये नहीं होता, हाँ, स्टेरिंग से होता है तो कि मैं कर सकता हूं अनस्ट्रिक्टेड स्टेयरिंग यू कैन डू यू वांट नो वन इज स्टॉपिंग मी ट्राई और इसका कुछ हो भी one. नहीं सकता मतलब तो और आगे बढ़ता हूं भाई इसके हाथ लगा दिया मैंने इसके आ, आप ये देखो कि अगर मैं यहां पे अकेला किसी औरत के साथ हूं ठीक है और वो औरत बाहर जाके ये बोले कि मैंने उसे मोलस किया है मैंने उसे inappropriateली इन, टच किया है तो जनता क्या बोलेगी ना कि या प्रूफ क्या है ठीक है अब वो क्या अकेले कमरे का प्रूफ ला के दे क्या प्रूफ ला के देंगे मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब कि वो सच्ची बोल रही होगी है ठीक है वो तो आ, अलग बात है बिल्कुल एकदम लेकिन अगर कोई सच भी बोल रही है जाके और उससे प्रूफ तो प्रूव हो प्रूव क्या प्रूफ लाके देगी। कमरे में दो लोग निशान थोड़ी रखे हैं बट इसका एक और एस्पेक्ट है संजय भाई अगर इफ आप एक मान लो स्कूल में या कॉलेज में राइट आपके साथ कोई किसी बच्चे के साथ किसी लड़के के साथ कोई लड़की है ही लाइक सर राइट हाउ

और बात करने के बाद अगर वो मना कर दे तो इट मीन्स अ नो उसके बाद आपको ना स्टेयर करने की जरूरत है ना उससे बात करने की जरूरत है आप सीधी बात करो ना बिकॉज मैंने पहले बोला ये नॉर्मल ह्यूमन बींग स्टॉक सिग्नल किसी को क्या देने हैं आप जाके बोलो उसको कि मेरी दिलचस्पी आपने मेरे को आपके साथ बात करनी है पोलाइट मुझे नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई भी न, आ, जो लड़की है औरत है उसको आप ये जाके ही जाके बोलोगे। यू, 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 यू देखे देखे तो, मतलब अच्छा, अगर आप घूर रहे हो उसको देख के सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप घूर के वो कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी आप उसको ऐसे घूर रहे हो जिससे वो बचिए उधर निकलना चाह रही है वो कैसे शुरू करेगी और अगर आप घूर रहे हो और, तो और वो अनकंफर्टेबल है दैट्स अ नो 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 एंड और अगर आप बात भी करने जा रहे हो और बात करने के बाद भी उसने बोले कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट्स अ नो नो नीड टू एनीथिंग वो जो पहले गाना मैंने बोला था ना कि जहां भी तू जाएगी मैं वहीं चलाऊंगा तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए लाना था ऐसे मर्दों के ऊपर जो ये करते हैं ठीक है संजय भाई तो इज वॉचिंग या सुन रहा है या देख रहा है हमारे को बच्चा हो या कोई बाप हो वॉट इज किस्म का पॉजिटिव डॉक्ट्रीनेशन है Negative तो बहुत करते हैं रिलीजन कास्ट मिसोजनी एक पॉजिटिव डॉक्ट्रिनेशन है कि अपने बच्चों के साथ आपको ये करनी है कि कल को आपके जो घर में जो uh, बच्चियाँ हैं उनको

है न, वही से हैं. बीज बीज घर से उगते हैं मतलब अगर अ, मेरा कोई बच्चा होता और मैं उससे बचपन से ही कॉन्वर्सेशन कर रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल दट किड इजर ही और शी इज नॉट कॉन्शियस अबाउट द जेंडर फॉल्ट लाइफ आखिरी टाइम ये है दोस्तों इस एपिसोड की के सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट्स ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने बच्चों के साथ ही कॉन्वर्सेशन करें ताकि योर डॉटर्स फील सेफ एंड योर सन्स डोंट बिकम मोलेस्टर्स और जिसके बच्चे नहीं है जिसके जो भी बड़ा है वो व्हाट व्हाट आर चेंजेस ही जिसके बच्चे नहीं है उसको तो वो ये वीडियो देख लें हमने भी कुछ बोला ही है ना यहाँ पे मेरे कौन से बच्चे हैं मतलब कि जिसके बच्चे नहीं teach, teach क्या करना है सर हम तो मतलब कोई वो टीचर uh, तो है नहीं बस ये है कि अपने एक्शन को रिविजिट करो अभी जैसे मैंने आपको अपनी होली वाली बात बताई आदमी इतने साल हो गए कितने साल हो गए 15 और तेईस साल हो गए आज भी मुझे वो लगता है कि यार वो वो मैंने गलत किया आज भी उसका स्कार मेरे को है आज भी उस वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि यार हाउ कुड आई डू दैट बट देन आई रियलाइज दैट अगर मेरे घर में मुझे समझाया गया होता है कि दिस इज नॉट अलाउड ये एक्सेप्टेबल नहीं है तुम नहीं कर सकते मैं नहीं करता yeah. तो वही है बात ये है कि जिनके बच्चे हैं वो बच्चों को देखें जिनके बच्चे नहीं वो अपने एक्शन को रिविजिट करें और क्या? ओके थैंक यू वेरी मच